Neelam and you're watching us on Funasia. Bollywood Chick and Funasia aapke liye lekar aaye hain Beauty Pageant 2019 and Beauty with Purpose. And definitely itni khoobsurat shaam mein hamare sath jo shakhsiyat honi thi wo to khoobsurat hi honi thi. To ye lijiye hamare sath maujood hai is waqt Pooja Batra, very talented, very beautiful and Miss India Feminine International Award winning, right? Just Miss India. Okay. I am a former Miss India. Okay. Thank you so much. No problem. Thank you so much for being on Funasia with us. And itni khoobsurat shaam mein, jaise ki maine abhi kaha, hamare saath agar itni khoobsurat personality ho, to hamari shaam ka maza hi dobara ho jata hai. Pooja, welcome to Funasia and Dallas, of course. Kaisa lag raha hai aaj aapko hamare beech aakar is beauty pageant mein? जी, मैं ये पहली बार बिग डी में आई हूँ, डैलस में पहली बार आई हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने रुचिका द्यास के साथ तीन पैजेंट्स पहले किए हैं, एंड यू नो सिंस आई एम अ फॉर्मर मिस इंडिया, आई जस्ट कैन नो द बीट, यू नो, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब मैं आती हूँ और लड़कियों को इनक्रेज करती हूँ, या जब मैं विनर्स को मिलती हूँ, वो बोलते हैं कि जो आपने बोला था हमें अच्छा लगा, हमारा ये हो गया बेटर, वो हो गया, सो इट फील्स वेरी गुड. डेफिनेटली ब्यूटी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने लोगों से कहा कि सिर्फ फिजिकली नहीं होती ब्यूटी, आपके अंदर भी होती है. इनर ब्यूटी के लिए क्या कहना चाहोगे पूजा? आई थिंक एवरीबडी बॉर्न इज ब्यूटिफुल, यू जस्ट हैव टू लुक एट द गुड थिंग्स ऑफ दैट पर्सन एंड निगेट द नेगेटिव. And that's the policy of mine has been for pretty much everybody in life. Definitely. Pooja ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिसमें से हमें अगर याद हो तो डेफिनेटली विरासत, हसीना मान जाएगी और ऐसी लिस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन. विरासत एक ऐसी खूबसूरत फिल्म थी, उसके बाद आपने बहुत सारी खूबसूरत फिल्में की इत, और फिर आपने दूसरी लैंग्वेजेस में भी फिल्में की हैं. कौन सा रोल आपको फिल्म में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, या आपको ऐसा लगा कि अभी कोई चैलेंजिंग रोल करना बाकी है? बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग रोल्स बाकी हैं. अभी इस साल मैं अमेरिकन टेलीविज़न में भी दिखी हूँ. मैंने एक शो किया था रुकी, जो ABC चैनल पे है, और एक और शो किया था सील टीम, जो CBS पे आता है. तो जस्ट बुकिंग योर सेल्फ इन अमेरिकन यू नो मेन स्ट्रीम यू नो शोज़ इटसेल्फ इज़ अ बिग फीट, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है. और मेरी एक मूवी है द्रौपदी अनलीश्ड, जिसमें मैं एक ओपियम एडिक्ट का रोल प्ले करती हूँ, वो भी बड़ा चैलेंजिंग था. बट ऑफ कोर्स विरासत हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. उसके बाद आई डिड अ मूवी कॉल चंद्रलेखा विच वाज मलयालम विच वाज रियली गुड, हसीना मान जाएगी भाई. सो या, सो एवरी मूवी दैट आई डू आई टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट. मुझे अगर ताजमहल मूवी की बात की जाए, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, उसमें आपका इतना हिस्टोरिक रोल था, तो आपको हिस्टोरिक मूवीज़ अच्छी लगती हैं? किस टाइप के रोल करना ज़्यादा पसंद करते हो? मुझे कैरेक्टर्स ड्रिवन मूवीज़ बेटर रहती, जिसमें मेरा कैरेक्टर का अच्छा ग्राफ होता है. तो जिस मूवी में मेरा अच्छा कैरेक्टर होता है, वो मुझे बेटर लगता है. हाँ. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? So I just got married and I'm going back to India to shoot a movie. So yeah, so wish me luck. Oh, all the best. Definitely आपको देखना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल और इतनी टैलेंटेड हीरोइन अगर पर्दे से पीछे हट जाए तो ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस होगा. लेकिन थैंक यू सो मच, बट वंस अगेन ब्यूटी पेजेंट में हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके आने से हमारी शाम और रंगीन हो गई. आज हमारे जितने पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए और हमारे डैलस में इस वक्त फनीशिया के थ्रू जो आप लोगों को देख रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये जो पेजेंट हैं, इनसे कंटेस्टेंट सिर्फ सीख के जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बना के जाएंगे, अच्छी ग्रूमिंग मिलेगी. सो आई थिंक जीतना या हारना इज़ नॉट द मेन एम्फेसिस, और उनको लगाना नहीं चाहिए अगर वो ना विन किए, या उनको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज एवरी डे देर इज़ सो मच इन लाइफ दैट टेल्स यू नो यू आर नॉट गुड, नो यू आर शॉर्ट, नो यू आर नॉट वट एवर, यू आर फैट और वट एवर. सो ये तो हर एक लाइफ में सबको हर एक की लाइफ में आता है. सो यू जस्ट हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड. असल में पूजा जी का कहना ये है कि आप जो है अपनी इनर पॉजिटिव, अपने अंदर जो आपके पॉजिटिव चीज़ है उसको देखें, राइट?
Definitely. Pooja, thank you so much once again for being on Funasia and this beauty pageant. Wish you all the best for your all future plans. And viewers, this is Funasia. For more details, stay tuned with us.